हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे यहां पर अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लॉन्ग में नहीं, लेकिन हाँ नहीं, तीन नंबर वाला क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा जा सकता है, दो पूछ लेगा डेढ़ डेढ़ नंबर में। तो यहां पर हमने दो काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस लगाए हैं। पहला है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच, ठीक है। तो इनमें जो सेल वॉल है वो सेम होती है, इसमें अलग अलग यानी तीन लेयर्स में होती है, लेयर समझते हैं आप, परतों में पाई जाती है। तो इसमें सेल वॉल सेम होती है, इसमें सेल वॉल तो समझते हो गए यार, सेल माने कोशिका, वॉल माने क्या, भित्ति कह लो यार, कोशिका के चारों तरफ की जो झिल्ली होती है, एक आवरण होता है, उसे सेल वॉल कहते हैं भाई, ठीक है। सेल वॉल का काम क्या यार, दीवार का काम क्या होता है, नंबर एक कोशिका को आकार प्रदान करती है। जैसे अगर मान लिए इस कमरे में यहां ये दीवार ऐसे करके हैं, तो इस कमरे का ये आकार है, मान लिया वो दीवार उठा के हम यहां लगा दें आके, तो आकार चेंज, गोल गोल बना दे तो आकार चेंज। यानी ओवरऑल सेल वॉल का काम क्या है, आकार और प्लस सुरक्षा भी करेगी। अब बाहर कोई क्या कर रहा है उससे क्या मतलब है, देखिए अपना बोर्ड लगा, पीछे दीवार है, उसके पीछे कोई कुछ भी करता रहे, तो हमें सुरक्षा भी दे रही है, साथ ही साथ आकार भी प्रदान कर रही है इस कमरे को, सर, ठीक है। तो सेल वॉल का काम होता है कोशिका को आकार प्रदान करना। 150 से 200 एंगस्ट्रॉम तक मोटी होती है, यानी ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ये थोड़े से मोटे होते हैं, ये वाले ये 75 से 120 एंगस्ट्रॉम तक होती है, यानी इसकी तुलना में पतले हैं सर, ठीक है, मतलब इसकी तुलना में पतली है। इसमें लिपिड नहीं पाए जाते, लिपिड हार्मोन ये सब आपने पढ़ रखे होंगे छोटे क्लास में, इसमें लिपिड नहीं होते हैं, इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं सर। इनमें सेल वॉल मजबूत होती है, इनकी वाली जो सेल वॉल है वो मजबूत होती है, इनमें क्या होता है, लचीली होती है, ठीक है भाई। इसमें 80% म्यूकोपेप्टाइड होता है और इसमें केवल होता है 3 से 12% तक म्यूकोपेप्टाइड, ठीक है भाई। तो बिल्कुल आसान है, अगर आप ये 5 पॉइंट लिखेंगे तो डेढ़ नंबर मुस्कुरा के मिलेंगे सर, ठीक है, क्योंकि नहीं तो इस तरीके से दे देगा ऑप्शन में, निम्न पर टिप्पणी लिखी है, दो दे दिया आपको सर, इस तरीके से डेढ़ डेढ़ नंबर में मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद एस्कस और बेसिडियम, ये भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या, ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर समझते हैं सर आप, यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय, कौन सा, एक कोशिकीय। ये यूनि या मल्टी सेलुलर होता है, यूनि मतलब एक या मल्टी मतलब बहु कोशिकीय भी हो सकता है ये सर, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन, इनमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं, इसमें बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, याद कैसे रखेंगे आप, जो जिसका नाम, इसका नाम क्या, एस्कस है, तो एस्कस में जोड़ दीजिए स्पोर्स आगे सर, ठीक है, ये लीजिए स्पोर्स जोड़ दिया, तो एस्को स्पोर्स बनेंगे, इसमें बेसिडियम नाम है तो बेसिडियो स्पोर्स बनेंगे, ठीक है सर। इसका फॉर्मेशन एस्कर मदर सेल से होता है, या मदर सेल क्या होती है, मात्र कोशिका, मात्र का मतलब क्या, मम्मी है यार, मम्मी से ही तो निर्माण होगा बच्चे का ना सर, तो जो इसकी मदर सेल है उसका इसका निर्माण उससे होता है, जो इसकी मदर सेल है इसका निर्माण उससे होता है सर, ठीक है। ये क्या है, अब देखिए इसे आराम से तोड़ के लिए, इस यह क्या होता है, ये एस कैंपेसिटस, ठीक है, एस कैंपेसिटस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एस कैंपेसिटस, ठीक है। ये देखिए उसी से रिलेटेड, एस्कस पढ़िए और आगे सेट्स लगा दीजिए, ठीक है, उसे देखिए बेसिडियो पढ़िए, माइसिटस लगा दीजिए, तो बेसिडियो माइसिटीज और एस्केमाइसिटीज, ठीक है, इनमें ये पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, इसे आप आराम से, इसकी पीडीएफ हम अभी डाल देंगे, ठीक है, कहाँ, टेलीग्राम पे आप जाइए, BDKDN BSC सर्च कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपके 3 नंबर बना सकता है, अभी भी हम 3 टॉपिक आपके क्लियर कर रहे हैं, ठीक है सर। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पूरी प्लेलिस्ट दोस्त देख डालिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश की जा रही है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी BDKDN BSC टेलीग्राम पे। चलिए सर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।